ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज एज यूजुअल, जैसे कि अब मैंने सोचा था कि हम कल जल्दी उठेंगे और पूरा दिन हम निकलेंगे, लेकिन नहीं उठ पाए क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल ट्रेन ट्रेवल किया था, उसके बाद नींद नहीं मिली थी, तो अभी हम सोते रहे, तो फिलहाल अभी हम उठ गए हैं। टाइम है ऑलमोस्ट 11:57, अभी उठते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था पिछले ब्लॉग में कि आज जहाँ जाना है बहुत स्पेशल जगह है, जिसकी वजह से हम दिल्ली में आए हैं फिर से इस बार। तो अभी हम चाय पीते हैं, रोटी होते हैं और निकलते हैं। तो ये आ गई हमारी चाय, तो हो गए हम रेडी। कपड़े देख के आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, हम जा रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह, क्योंकि जब लास्ट टाइम आए थे और मैं यहाँ पे था, हम वहाँ से क्रॉस हुए थे और मेरा प्लान था कि हम कल यहाँ से अगले दिन हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें निकलना पड़ा था क्योंकि पापा अम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जाते जाते मैं उनसे एक होता ना दुआ करके, मन्नत कह सकते हो आपके, बोल के गया था कि अम्मी पापा अम्मा को, तीनों को आप जल्दी से अल्लाह से दुआ करो कि वो अच्छे हो जाएं, तो इंशाल्लाह मैं आपके यहाँ ज़्यारत करने आऊँगा। तो आज बेसिकली वहीं जाने का प्लान है और यही एक रीज़न है कि हम लोग दिल्ली फिर से दोबारा यहाँ पे आए हैं। मेन रीज़न ये है यहाँ पे जाने का, और उसके बाद फिर देखते हैं, अगर वक्त मिला, मौका मिला, तो इंशाल्लाह हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज हम जाएंगे। और एक्चुअली हम बहुत लेट हो गए आज, क्योंकि कल रात में 3:30 तो बज गए हमें व्लॉग एडिट करते हुए। उसके बाद प्लान था कि सुबह हम 7 बजे उठ के जल्दी 8 बजे तक निकल चलेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो एनीवेज अभी कुछ बज रहा है, 2:30 बज रहा है अभी, तो बस अभी फटाक से नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम क्या हो गया? 2:54। 3 बज गए, और कहाँ 7-8 बजे निकलने वाले थे और कहाँ 3 बज गया। चलो कोई नहीं, ये बैग और ये आईपैड भी यही रखा है, ठीक है। और जब हम हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पहुँचे तो वहाँ जाके पता चला कि वो अभी बंद है, अभी नहीं खुली है, तो हम अंदर नहीं जा पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई नहीं, तो हमने बाहर से ही फातिहा पढ़ लिया और दुआ कर ली। अभी नहीं हो पाई ज़्यारत क्योंकि यहाँ की गाइडलाइंस की वजह से वो अभी दरगाह बंद है। ये थोड़ी सी इमोशनल हुई इस वजह से कि नहीं हो पाई। कोई नहीं, इंशाल्लाह हम फिर आएंगे। और लेकिन दुआ हमने फातिहा पढ़ लिया, वहाँ पर दुआ होगी। और चलो, एक और रीज़न मिला डेली फिर से वापस आने का, इंशाल्लाह फिर जल्दी आएंगे, एक बार आना तो है। और अभी कहाँ बोलो? चांदनी चौक पास में, क्या है चांदनी चौक है। ठीक है, अच्छी हो, ठीक हो। एक्चुअली थोड़ा सा ये सैड हो गई, हम अंदर नहीं जा पाए वहाँ पे, बट कोई नहीं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रजा होती है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे आए हैं, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन हम यहाँ पे देखने आए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहली बार हम लोगों ने अब तक अपने सिर्फ टीवी में, डीडी न्यूज़ में, फिल्मों में देखा था, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ लाइव देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही कमाल है सच में, इनक्रेडिबल इंडिया, क्यों इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी है ना यहाँ पे, जो हमें मुंबई में देखने को नहीं मिलती। ऑब्वियसली बात है, इस तरीके की टाउन में कुछ 2-3 चीज़ें हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोग जा रहे हैं रेड फोर्ट देखने, अंदर से नहीं बाहर से ही हम देखेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा मेन प्लान है चांदनी चौक जाने का। और वहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है, कार नहीं जा सकती है, तो हम यहाँ साइकिल रिक्शा जो है, जो यहाँ पे गली में चलते हैं ऑथेंटिक, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं और वहाँ वो लेके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं सफ़र कैसा होगा, मज़ा आएगा। We'll be right back.
रेड फोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं पहली बार, ये भी हम ऐसे सामने से देख रहे हैं। अब तक सिर्फ हमने टीवी टेलीविजन पे फिल्मों में भी देखा था, मैं हर बार फ्लैग होस्टिंग हर बार मैं ही बोल रहा हूँ। चलो जो भी हो, आपका लाइफ का पहला एक्सपीरियंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक जो चीज़ आपने सिर्फ टीवी में फिल्म में देखी थी, आज वो पहली बार लाइव देख रहे हैं। और वो उसके साथ साथ ना मुझे सारी परेड याद आ रही है, उसके साथ साथ ना मुझे शाहरुख खान के फैन का गाना याद आ रहा है, जब रफ फिल्म नहीं हुआ था वो भी मुझे याद आ रहा है। तो यस, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और इन्जॉय कर। खा जैसे पहले खा रहा था वैसे खाना। पानी पहले पियो, पानी पहले आप लोग थक गए पे चलते रहो, पानी पियो। इनका नाम है वीरेंद्र। इनका नाम है सुरेश। यार कमाल का स्टैमिना और कमाल की एनर्जी, इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे दिल के और इतने हंसमुख इंसान ना, गुड। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मानना पड़ेगा आपकी एनर्जी को। थैंक यू। पानी पिया? हाँ। चलो अभी चलते आगे। सीसगंज गुरुद्वारा। अच्छा, ये भी बहुत पुराना है, शाही सुनहरी मस्जिद और सुनहरी मस्जिद। सुनहरी मस्जिद जो है रेडफोर्ट पार्किंग के बराबर में है और ये है चांदनी चौक की शाही सुनहरी मस्जिद। अच्छा, इनको एकदम अच्छी सी लस्सी पीनी है कल से। आप अच्छी सी लस्सी बनाएंगे? हाँ, गाड़ी वाली एकदम मलाईदार। ये है पराठे वाली गली। पराठे वाली गली, ये नटराज जहाँ छोटा था ऊपर। ओ आज थोड़ा हम दिल्ली को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, क्यों एंजॉय कर रखे हैं। जी आपका जूस प्रेफर करेंगे? आपका शहर है, आपको कुछ तो पसंद होगा। थोड़ा लस्सी ले लें उनके लिए भी ना। हाँ, ये लस्सी मैं ढूंढ रहा था। ये लस्सी ढूंढ रहा था मैं कल, गाड़ी ठीक वाली जो मुझे आज मिल गई। घर में गिराया? नहीं, कहाँ गिराया बताओ। वाह, आई मीन ये होती है लस्सी तो पानी जैसी नहीं। घूम लिया हमने चांदनी चौक, पीली हमने लस्सी। इन्होंने जिला की कि इन्होंने लस्सी पिला के मेरा पेट भर दिया, मैं चाटनी खा पाऊं। तो अभी घूमेंगे फिर खा लेना। हाँ, पचा के फिर। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट, जो भी हमें धीरेंद्र भैया हमें दिखाएंगे हम वहाँ जा रहे हैं। बेस्ट साइट सीइंग दैट वी आर डूइंग इन रिक्शा, बहुत मजा आ रहा है। जामा मस्जिद भी, अभी हम जा रहे हैं वापस टैक्सी के पास, उसके बाद देखते हैं टाइम बचता है कितना बचता है, उस हिसाब से हम कहीं और कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, पहली बार ऐसे दिल्ली को एक्सप्लोर किया है और दिल्ली का अपना ही मज़ा आया। सच में क्यों? बहुत सीरियसली यार, मतलब मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। और थोड़ा कैमरा शेकी हो रहा होगा, सॉरी, क्योंकि कैमरा नहीं, एक्चुअली फ़ोन है हाथ में और रिक्शे में है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। और आवाज़ का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैंने अपने ब्लॉग में भी बोला था, क्योंकि डिस्टर्बेंस रहती है बाहर की। आप समझ सकते हैं कि इतने क्राउडेड प्लेस में कैमरा निकाल के शूट करना नहीं हो सकता, क्योंकि कैमरा देख के और ज़्यादा क्राउड गैदर होने लगता है। तो फ़ोन से हम लोग थोड़ा सा चुपके चुपके हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी को ये फील भी ना हो कि कुछ हो रहा है और हम भी थोड़ा सा अच्छे से घूम सकें। अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने पूरा घुमाया, आपकी मेहनत के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहते हैं कि घूमना तो दिल्ली तो है ही अच्छा, पर उससे अच्छा जिस तरीके से मैंने घुमाया है ना, वो बहुत मतलब दिल को छू गया, खुश कर गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो हो गया, घूम लिया, काफ़ी मज़ा आया, थक भी काफ़ी गए,
और अच्छा रहा आज का दिन, अभी देखते हैं। और एक लास्ट और हमने सोचा है कुतुब मीनार अगर खुला होगा तो, क्योंकि ऑलरेडी 5:30 बज चुका है तो ड्राइवर भैया बोल रहे हैं कि शायद बंद हो जाएगा, तो वो थे एटलीस्ट हम चलते हैं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो आप देख लेना वरना बाहर से देख लेना। ठीक, तो आ गए हम वापस होटल, थक गए काफ़ी आज, हमें जाना था कुतुब मीनार लेकिन हम नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी 5:30 हो चुका था और सिर्फ 5 बजे तक ही वहाँ पे वो आप जा सकते हो अंदर। नेट पे पढ़ा, अंकित ने पढ़ा, देखा 6 बजे तक चालू रहता है कुतुब मीनार। अच्छा, और तो, हम लोग 6:30 अभी बजे, हाँ तो जो भी था हम लोग जब देखा तो उस टाइम ऑलरेडी 5:46 बज चुका था, तो वो ड्राइवर भैया जो थे वो बोल रहे थे कि चाहो तो मैं आपको ले चलता हूँ, आप बाहर से देख लेना, तो मैंने कहा फिर कोई पॉइंट नहीं है, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। अभी हम आ गए वापस होटल, थोड़ा यहाँ पर रेस्ट वेस्ट करते हैं, जो ब्लॉग है वो एडिट करते हैं और हम, भूख लगी है तो वापस चले गए ना रात में आज डिनर करने बाहर। अरे तुम ही तो बोल रहे थे कि लस्सी पी लिए, बोले चाट खानी खानी, मैं लस्सी पी ली, अभी हम आ गए। ठीक है तो कर दो तो चलो ऑर्डर कर दो और फिर मैं जाऊंगी जिम, शोएब करेंगे अपने ब्लॉग की एडिटिंग। मैं भी चल सकता हूँ, जलन हुई कि मैं अकेले जिम जा रही हूँ, जलन हुई शक्ल देखनी चाहिए, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम वापस निकलेंगे डिनर के लिए, तो वो तो हम नहीं निकले क्योंकि दीपिका घर पे ही है, घर पे मतलब इन द सेंस कि वो होटल में ही है, वो बोल रही थी नहीं तुम जाओ मैं एक्सरसाइज करूँगी, जिम करूँगी, वॉक करूँगी, तो ये दोनों ज़बरदस्ती मुझे लेके आए फायर पैन खिलाने के लिए, तो ये बोल रहे हैं नहीं भाई आपको फायर पैन खाना पड़ेगा, और ये वापस आते मुझे सीपी लेके आए अभी, तो हम देखते हैं ट्राई करते हैं पान खिलाने के लिए, सिर्फ पान खिलाने के लिए लेके आए ये बेटा, जला वाला ना सोच लेना फिर, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखते हैं चलो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये नींद थक गए जो हमने इसके लिए हम लेके आए थे, इसने खा लिया है थोड़ा बहुत, हमने भी खा लिया है और आज काफ़ी थकान हो गई क्योंकि काफ़ी घूमे आज, अच्छे से एक्सप्लोर किया, कोशिश की कि आप सबको अच्छे से दिल्ली घुमा सकूं, दिखा सकूं, ज़्यादा बात जब हम लोग बाहर थे नहीं कर पाए, बहुत क्राउडेड प्लेस था वहाँ पे और अपना साउंड का भी जैसे हम पहले बोल चुके हैं थोड़ा बहुत इशू हो गया, इसलिए हम बात बाहर ज़्यादा कम कर रहे थे, आपको सिनेमेटिक सारे शॉट्स दिखाए हैं, इन्जॉय किया, दिल्ली का ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होता है और कल हमें निकलना है कहीं और, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। कैसा लगा? मेरे लिए आज दिन बड़ा मजेदार था, अच्छा था, बस मुझे शॉपिंग करने नहीं मिली शॉपिंग करने में उसको बोल मैं सच में एक बार ना मैं शोएब को हफ्ते भर के लिए लेके आऊंगी और उस वक्त मैं शोएब को छोड़ूंगी होटल में और मैं जाऊंगी शॉपिंग करने, लेकिन एक शर्त पे कि हम घर से हम एक भी बैग लेके नहीं आएंगे, ऊपर यहीं से बैग लेके जाएंगे, खाली बैग्स तो लाने पड़ेंगे ना, ले यहीं से ले लेंगे। ओके ठीक है, तो अभी दिल्ली का ट्रिप खत्म हो गया ये बार इस बारे में, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा और ऐसे लग रहा है कि अब जल्दी से इंशाल्लाह कब वापस आने का मौका मिले और जब हम खा पाए और यस इंशाल्लाह यस, मुझे चाट नहीं खिलाई, हेलो हीरो मेरी चाट कहाँ है? क्या अभी तुम बस चाट में करोगे? नहीं, मेरी चाट नहीं खिलाई मुझे, पहले पहले दिन के ब्लॉग में तो बड़ा स्टाइल मार के मेरे ब्लॉग में था, नहीं और कुछ नहीं तो मैं मैडम को चाट जरूर खिलाऊंगा, इसका चाट का बड़ा मन है, क्या हुआ बोलती बात देखो बीवी को करेक्ट पॉइंट्स पकड़नी चाहिए, हस्बैंड की बोलती बंद हो जाती तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और गाइस लिटरली सबसे जो बहुत से लोग बोल रहे हैं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं मिलने के लिए, तो हम दिल से सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि सॉरी
एक बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार ये कोविड की चीज़ें सारी अगर ख़त्म हो गई ना इंशाल्लाह, तो डेफिनेटली फिर मैं आऊँगा और फिर एक अच्छा सा मीट एंड ग्रीट हम सब रखेंगे, और जहाँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ। इस बार अभी नहीं कर पाया तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ लेकिन गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहता है, आप भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़।